So 3C, we have made all the pairs here. Now let me explain what does it mean by pair. पहले तो pair को समझ लें. Pair तो आपको समझ आ गया होगा, I guess. Pair का मतलब जोड़े बनाना. जोड़े. है ना? Set A के elements का हमने set B के elements के साथ जोड़े बनाए, pairs बनाए. That's why it is called pair. But why we call it ordered? Order का मतलब क्या होता है? क्रम. हिंदी में एक शब्द है क्रम. है ना, जब चीजों को हम सजाते हैं, अरेंज करते हैं, तो एक क्रम में कि पहले नंबर पे इसे रखें, दूसरे नंबर पे इसे रखें, तीसरे नंबर पे इसे रखें, तो इसी को कहते हैं हम ऑर्डर, राइट? तो हियर इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड बिकॉज वी आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी, सो वी हैव टू टेक केयर दैट ऑल द एलिमेंट्स कमिंग फर्स्ट इन द ब्रैकेट मस्ट बी फ्रॉम सेट ए. ओके, जैसे आपने वन को पहले लिखा, वन किससे आना चाहिए? ए से आना चाहिए. फिर आपने बी लिखा, बी किससे आना चाहिए? सेट बी से आना चाहिए. अगर आपने यहाँ पर ए कॉमा वन लिख दिया इसके अंदर, तो ये गलत हो जाएगा. ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपने ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा. ठीक है, तो अब आप गेस कर सकते हो सोनी कि ए वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी और B क्रॉस A. कैन यू आंसर दिस? B क्रॉस A. एग्जैक्टली, ऑसम, यू गॉट इट. तो यही वजह है कि हम इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. हमेशा आप ब्रैकेट के अंदर पहला वाला एलिमेंट A से लोगे और दूसरा वाला एलिमेंट B से. हर बार ऐसा होगा. वही अगर हमें यहाँ B क्रॉस A लिखना होता, तो फिर हमारे सारे ही ordered pairs different हो सकते थे. For example, it is going to be A1, A2, A3. Same here for B, B1, B2, B3. Then C1, C2 and C3. Is my writing clear to you? Yes, sir. Good. So here I have reminded you what is the Cartesian product. These are all from grade 11. Yes, sir. Now before we move on, I would like to ask another question, Sumi. Do you know what is a subset of a set? Are you aware of the subset? Can you explain again? Okay, if you don't know, of course I'll explain. Subset of a set. This is again from grade 11. And these concepts are required for our grade 12 topic. So I have to first teach all these. Consider any set. For example, A. A is a set containing two elements, 1, 2. Okay? Yes, sir. Now what is a subset of this set? Sub ka matlab hota hai, uske andar aane wali cheezein. जैसे ऑफिसेज में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में एक ऑफिसर है और बाकी उसके नीचे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कहलाते हैं सब ऑर्डिनेट्स. डू यू नो दिस? यस सर. सब ऑर्डिनेट्स, दे आर सब ऑर्डिनेट्स बिकॉज दे आर रिपोर्टिंग टू दैट ऑफिसर, दे आर वर्किंग अंडर दैट ऑफिसर, राइट? इन द सेम वे हियर दिस सेट ए इज लाइक एन ऑफिसर. यहाँ सेट ए इज लाइक एन ऑफिसर. अब इस ऑफिसर के अंदर, इस सेट के अंदर कौन कौन से आप सेट्स निकाल सकते हो, वो सारे ही इसके सबसेट होंगे. अब मैं दिखाता हूं करके कितने इसके सबसेट हो सकते हैं. मैं इसमें से वन को अलग करके एक सेट बना सकता हूँ, इसमें से टू को अलग करके भी एक और सेट बना सकता, या फिर मैं पूरा का पूरा दोनों ही एलिमेंट्स 1, 2 ले सकता हूं, एक और सेट बना लिया मैं.
ठीक यस सर एंड देयर इज अ सेट कॉल्ड एम्प्टी सेट डू यू नो एम्प्टी नल सेट सर एग्जैक्टली एम्प्टी सेट मींस नथिंग नथिंग यस सर आपको याद होगा आपने ये ग्रेड सिक्स में क्लास सिक्स में सीखा होगा जब आपने फैक्टर्स की लिस्ट बनाई होगी आपको पूछा गया होगा कि फैक्टर्स ऑफ फाइव या फैक्टर्स ऑफ सिक्स कोई भी एक नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल तो जब आपसे पूछा गया होगा कि सिक्स के सभी फैक्टर्स को लिखो तो आपने किस किस नंबर को लिखा था सिक्स इंटू वन जीरो सर जीरो No. When you write factors of six, yes, sir, yes, sir. you write all those numbers which yes, can sir. Divide six. Yes, two, three. So two can divide six. Three two, also three. Can divide six. And six itself can divide six. Right? Yes, sir. Yes, sir. Apart from these all, there is one more number which divides every number. Yes, sir. What is that? One, exactly. One is like a common factor of every number, right? Yes, sir. Yes, sir. In the same manner, when you are writing the subset of any set, there is a null set. Just like one, there is a null set. It is the subset of every set. And how do we represent null sets? This is a symbol called phi. Yes, sir. We call it phi. Okay. So, can you count how many subsets we have written there? Four. Exactly. Now, if I tell you to write the subsets of this next set, suppose B has A, comma, B, comma, C. Can you write all the subsets of set B? You can reply in chat window. Are you writing? Yes. I have sent the question in chat window. You can reply there. Yes. Okay, first one is 5, then A, then B, then C. Is it over? Yes. Okay. Are you still writing? No, sir. Okay. You tried well, but it's not over. If you have to write the subset of B, subset of B, you need to first write the empty set called phi. Then you देखो इसमें से आप कितने ज्यादा से ज्यादा sets निकाल सकते set B के अंदर से जितने भी sets निकाल सकते हो they are called subsets. तो एक तो मैं निकालूंगा A single single करके फिर B फिर C. Am I audible? Am I audible? Okay. Well, so I was explaining, I will take singles first, like A, B, and then I will take doubles. Doubles. So A, comma B. Then I can take A, comma C. Then I can take B, comma C. All the doubles taken. First I took singles, then I took doubles, and then I will take triplet.
that is only one, means A, B, C. Okay? Yes, sir. Good. So I have written all the subsets of B. Now you can count how many are there. Eight, sir. Good. There are eight subsets. Yes, sir. So there is a rule in it. Without writing all the subsets, we can know how many subsets should be there. Now let me write the formula. Yes, sir. Number of subsets is equal to 2 raised to the power number of elements. 2 raised to the power, we write NA. NA का यहाँ पर क्या मतलब? A में कितने elements हैं? वो आप 2 के power में लिख दो. कितने elements हैं A में? 2. 2 elements. तो आप 2 के power में 2 लिख लो. और ये बन गया 4. मतलब इस formula से आप ये जान सकते हो कि इस set के कितने subsets होंगे. बिना उन सबको लिस्ट किए, बिना उन सबको लिखे, ठीक है? सेम गोज हेयर आल्सो. यहां भी अगर मुझे जानना हो नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे सेट बी के, कितने एलिमेंट्स हैं जरा देखो सेट बी में. 3 सर. 3. तो मैं ये करूंगा कि 2 के पावर में 3 लिखूंगा. पहले मैंने 2 के पावर में 2 लिखा था, अब 2 के पावर में 3 लिखूंगा. मतलब बेस में 2 हर बार आएगा, ये फार्मूला है, ठीक है? यस सर. ओके, तो कितने मिले हमें? 8. 8. और हमने इसको करके भी देखा हुआ है, टोटल 8 हुए थे अभी, प्रैक्टिकली भी करके देखा हमने. तो आगे से आप याद रखना, कभी भी किसी सेट में कितने सबसेट्स होते हैं, ये अगर आपको जानना हो तो दो तरीके. या तो आप सारे के सारे सबसेट्स लिस्ट करो वन बाय वन, देन काउंट देम ऑल. दूसरा तरीका ये कि ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बिना सबको लिखे ही आपको पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट्स होंगे. एम आई क्लियर? यस सर. ठीक है. अब जब हमने 11th के इस टॉपिक को कवर कर लिया, तो अब मैं 12th का एक टॉपिक आपको बता रहा हूं. यस सर. हमारा आज का टॉपिक है, चैप्टर नेम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, बट इसमें से मैं अभी आपको रिलेशन इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, सिर्फ रिलेशन, क्योंकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में ये रिलेशन ही कर पाएंगे. रिलेशन अकेला ही 2-3 क्लास लग जाता है कंप्लीट करने में, ठीक है? यस सर. तो सोनी, रिलेशन क्या चीज है? एक सेट का दूसरे सेट से कैसे हम पेयरिंग कर सकते हैं, कितने तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं, यही है रिलेशन. फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स देता हूं फिर मैं आता हूं मेन टॉपिक पे. मान लो एक बटालियन है आर्मी की, उसमें 50 जवान है, 50 आर्मी मैन. यस. और दूसरी तरफ मान लो कि उनके पास गन्स की थोड़ी कमी है, मान लो 40 गन्स है उनके पास टोटल. तो कोई 40 जो आर्मी मैन है वो गन ले पाएंगे, बाकी के जो 10 बचेंगे वो गन नहीं दे पाएंगे, राइट? यस. ठीक है. तो एक सेट हुआ आर्मी मैन का, दूसरा सेट हुआ गन्स का. यस. अलग अलग दिनों पर, अलग अलग प्रैक्टिस पर्पस से वो अलग अलग गन्स उठाएंगे. जब उनको बोला जाएगा कि ठीक है 8 बजे आपकी ट्रेनिंग है, आ जाओ अपने अपने गन्स लेकर, तो एक एक करके आएंगे. जिसको जो पहले आएगा पहला वाला गन उठाएगा, दूसरा वाला आया दूसरा गन उठाता है, इस तरीके से. तो ये कितने तरीके से पेयरिंग हो जाएगी? बहुत तरीके हो सकते हैं ना. यस सर. जैसे फर्स्ट आर्मी मैन कैन टेक द फर्स्ट गन, नेक्स्ट डे पॉसिबल है कि वो दूसरा वाला गन उठा ले, थर्ड डे पॉसिबल है कि वो तीसरा वाला गन उठा ले. मतलब ये पेयरिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है. हमारे डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत से चीजों के रिलेशंस बनाते. जैसे आपने स्कूल में बहुत से बुक्स खरीदे, आप 12th में गए आपने बुक्स खरीदे, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपने सब्जेक्ट्स के मान लो 6 बुक्स खरीदी.
अब आपको स्कूल में बोला जाता है कि सभी के लिए एक एक फेयर नोटबुक और एक एक रफ नोटबुक बनाओ। कितने सेट्स हो गए आपके पास? एक तो सेट हो गया बुक्स का, राइट? यस सर। दूसरा सेट हो गया उनके फेयर नोटबुक्स का, तीसरा सेट हो गया उनके रफ नोटबुक्स का। ये क्योंकि स्कूल से रिकमेंड किया गया था, आपने ऐसा किया। अब ये जो है पेयरिंग होगी, एक नोटबुक एक बुक के साथ पेयर अप हो गया, है ना? यस सर। तो ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे पेयरिंग्स हम करते हैं चीजों की, ठीक है। तो अब मैं आता हूं कि रिलेशन है क्या चीज, किस पर। अभी तुरंत मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि सबसेट्स क्या चीज होते हैं। yes. उसी तरह से अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स लिखो, मतलब ये जो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना, इसके yes, सबसेट्स, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स आप लिख सकते हो, दोज ऑल विल बी कॉल्ड रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। मैं इसके लिए एक फ्रेश एग्जांपल ले लेता हूं। सेट ए में मैंने रख लिया 1, 2 और सेट बी में रख लिया मैंने 3, 4। अब मैं तैयार करना चाहता हूं ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बी के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास है पहला एलिमेंट 1, 3, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। 1 और 3 को हम अलग अलग काउंट नहीं करते, यहां पर हम एक ही एलिमेंट बोलते हैं 1, 3 को। दूसरा एलिमेंट है 1, 4, तीसरा एलिमेंट है 2, 3 और चौथा एलिमेंट होगा 2, 4। अब इसके जब हम सबसेट्स तैयार करेंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कितने सबसेट्स बना सकते हैं, कैन यू गेस? 16 सर। एग्जैक्टली, ऑसम, यू गॉट इट एंड यू रिमेंबर्ड इट, वेरी गुड। सो ए क्रॉस बी हमारे पास एक सेट की तरह ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये। नॉर्मल सेट में क्या होता है कि सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखते हैं, जस्ट लाइक 1, 2, सिंगल सिंगल एलिमेंट। बट क्रॉस प्रोडक्ट में सिंगल सिंगल नहीं होते, वहां पेयर में आते हैं एलिमेंट्स। एक पेयर को एक एलिमेंट काउंट करते हैं, 1, 3 एक एलिमेंट है, 1, 4 एक अगला। तो टोटल इसमें हो गए 4 एलिमेंट्स। अब जब हम इसके सबसेट्स तैयार करेंगे तो ये हो जाएंगे 2^4, मतलब 16। इसके 16 सबसेट्स हो सकते हैं। अगर हम सबको लिस्ट करें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, बट आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट ऑल ऑफ देम, राइट? बट यस, सम ऑफ देम कैन बी रिटन, जस्ट लाइक 5 एक एम्प्टी सेट है, ये तो सबका सबसेट होता है, चाहे वो कोई सा भी सेट हो, सभी का सबसेट होता है 5। तो एक ये ले लिया हमने। फिर हम एक सिंगल सिंगल ले लेते हैं, सिंगल में 1, 3 ले लेते हैं, 1, 3 हमारा एक सिंगल हो गया, है ना? उसी तरह से सिंगल में हम 1, 4 ले सकते हैं, 2, 3 ले सकते हैं, 2, 4 ले सकते हैं। फिर हम, मैं एक डबल्स का एग्जांपल भी लिख लेता हूँ। डबल्स में एक तो मैं 1, 3 को रख लेता हूँ और एक 1, 4 को रख लेता हूँ। तो ये डबल्स का एग्जाम्पल हो गया, 1, 3 एंड 1, 4, ये हो गया डबल्स का। फिर मैं चाहूं तो ट्रिपल्स का भी एक एग्जांपल ले सकता हूं। मैं सारे नहीं लिख रहा यहां पर, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, राइट? यस सर। ओके, तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, ये हो गया ट्रिपल्स का एक एग्जांपल। तो इस तरीके से हम टोटल 16 सबसेट्स लिख सकते हैं, टोटल 16 सबसेट्स। तो रिलेशन की डेफिनेशन यही है कि एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी is known as relation from A to B, ठीक है? अब मैं इसको properly definition को frame करता हूँ। Subset of A cross B is known as a relation from A to B, ठीक है? Yes sir।
जितने भी आपने सबसेट्स लिखे वो सारे ही एक रिलेशन है। ये तो बात हो गई रिलेशन की, डेफिनेशन को मैंने लिखा, डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। अब इस यहाँ तक आपका कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। No sir, I have no doubts. That's great. Now the next thing we are going to discuss is domain and range of a relation. Domain and range of a relation. जब भी आप एक रिलेशन लिखोगे, मैं यहां पर एक एग्जांपल के लिए लिख लेता हूं, पहले रिलेशन, एक रिलेशन मैं लिख लेता हूं और मैं एग्जांपल पिछले वाले पेज से ही ले लेता हूं, ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें तीन एलिमेंट्स लिखे थे मैंने, ये वाला 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3। रैंडमली मैंने ये मान लो कि एग्जांपल ले लिया रिलेशन का। अब मुझे जानना है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो रेंज और डोमेन जो होगा वो डिपेंड करेगा इसके पहले और दूसरे एलिमेंट्स के साथ। आप मुझे बता सकते हो इस वाले रिलेशन को देखकर कि सेट ए से कौन कौन से एलिमेंट आए हैं इसमें? 1 1 2। वेरी गुड। बट रूल ये भी है कि वन अगर दो बार है तो हम उसको दो बार लिखते नहीं, है ना? एक रूल ये भी है, तो वी डोंट रिपीट द एलिमेंट्स, सो वी विल राइट जस्ट 1 2। और आप ये बता सकते हो कि सेट बी से कौन कौन सा एलिमेंट आया है इसमें? यस सर, 3 4। दैट्स राइट, 3 4। तो जो भी एलिमेंट्स पहले वाले सेट से आया, मतलब सेट ए से आया, that is the domain of the relation, domain of R। और जो भी second वाले set मतलब B से आया, that is called range of the relation। any confusion to understand this? No sir. Good. one more term is there called codomain. कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या चीज है? जब भी आप एक रिलेशन लिखते हो, जैसे कि हमने यहां पर एक रिलेशन लिख लिया, उस रिलेशन को लिखने के लिए हमने किसी दो सेट को कंसीडर किया होगा, जैसा कि हमने सेट ए और सेट बी को कंसीडर किया था, राइट? तभी तो हमारा ये रिलेशन तैयार हुआ। तो इसमें जो दूसरा वाला सेट होता है ना, पूरा का पूरा, वो कहलाता है कोडोमेन। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। द कंप्लीट और वी कैन से द होल सेट, होल सेकंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है, अगर आपने इस चीज को समझ लिया हो तो मैं एक क्वेश्चन पुट करूं अब आपके लिए। आर यू रेडी फॉर अ क्वेश्चन? यस सर। गुड, सो द क्वेश्चन इज हियर, ये भी मैं उसी एग्जांपल से ले रहा हूं जो यहां पे मैंने लिखा था। yes, मैं ले लेता हूं इसमें 1 3 2 3। ठीक है, 1 3 and 2 3 ले लेता हूं मैं, 1 3 और ले लिया 2 3। ये भी एक रिलेशन है ए से बी में। yes, अब आप मुझे बता सकते हो कि इसका डोमेन क्या है? यस सर। क्या है? 1 2। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेन, रेंज, ये सब भी एक सेट्स हैं। तो अगर आपने सिर्फ 1 2 ऐसे लिख दिया सिंपली, इट विल गो रॉन्ग, योर मार्क्स विल बी कंप्लीटली डिडक्टेड। ठीक है,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डोमेन इज नथिंग बट अ सेट, तो आपको इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। यस सर। रेंज क्या है इसका? 3। या ओनली वन एलिमेंट इज कमिंग देयर, दैट इज। यस सर। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट्स कोड डोमेन ऑफ आर? 2, 3। Are you sure? Yes, sir. एक मिनट। एक बार नजर डालो कोड डोमेन के डेफिनेशन पर, क्या लिखा हुआ है? The whole second set is called codomain of deletion. Exactly, the whole second set. Yes, मतलब जब आप कोड डोमेन की तरफ देख रहे हो तो आपको ये नहीं देखना कि इस वाले रिलेशन में क्या क्या लिखा होगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो सेकंड वाला जो सेट था वो पूरा का पूरा था क्या। वही है कोड डोमेन, द होल सेकंड सेट, मतलब 3, 4। गॉट इट? यस सर। तो कोड डोमेन लिखते समय आपको रिलेशन पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है किस पर, सेकंड वाला सेट कौन सा था उस पर। तो इसका कोड डोमेन हो गया 3, 4। यहां कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी। सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ऑफ कोर्स। सी कोड डोमेन डजंट डिपेंड ऑन द रिलेशन, रिलेशन क्या लिखा हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता कोड डोमेन। इसीलिए जब आप कोड डोमेन लिखने जाओ तो रिलेशन की तरफ देखो ही नहीं, ठीक है? तो फिर कहां देखें? देखना पड़ेगा हमें कि एक सेट से दूसरे सेट में जब हमने रिलेशन बनाया वो दूसरा सेट था क्या, उस दूसरे वाले सेट को देखना पड़ेगा, रिलेशन को नहीं। ये दूसरा वाला सेट बी है, यही है कोड डोमेन, ठीक है? और डेफिनेशन में लिखा भी हमने, डेफिनेशन में लिखा है, कहां गया ये? एक मिनट, ये रहा। द होल सेकंड सेट इज कॉल्ड कोड डोमेन, द होल सेकंड सेट। दूसरा वाला जो सेट था ना उस पूरे को उठा लो, वही है कोड डोमेन। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। तो हमारा एक सेगमेंट यहाँ पर और पूरा हो गया। यहाँ तक का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। हमने डिस्कस किया कि रिलेशन क्या चीज होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए जो भी नेसेसरी 11th के जो सपोर्टिंग टॉपिक्स थे वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, राइट? यस सर। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरी चीज, दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट। अब इसका क्या मतलब? अभी तक जो हमने देखा कि एक रिलेशन हम बना रहे थे कहां से कहां, From A to B। अभी तक जो हमने डिस्कस किया पिछले एग्जाम्पल्स में, उसमें हमने यही देखा कि कोई भी रिलेशन हम एक सेट से दूसरे सेट में बना रहे हैं, राइट? सेट A से सेट B में एक रिलेशन बनाया था हमने पिछले एग्जाम्पल में। ये जो एग्जाम्पल था रिलेशन, ये A से B में बना हुआ था क्योंकि इसके सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A से आए थे और दूसरे वाले नंबर B से आए थे। तो इसका मतलब ये रिलेशन ए से बी में बना था, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें लिखा हुआ रिलेशन ऑन अ सेट। अ सेट का क्या मतलब? अ सेट का मतलब एक ही सेट। तो अब ये होगा कि हम एक रिलेशन बनाएंगे लेकिन वो एक सेट से दूसरे सेट में नहीं होगा, बट एक सेट से खुद में होगा, ठीक है? तो इसके लिए अब हमें ए और बी नाम के दो अलग अलग सेट की जरूरत नहीं है, अब हमें एक ही सेट चाहिए।
इस एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमने एक ही सेट ले लिया सपोज 1 2, ठीक। हेलो, यस सर। ओके, आई थॉट इट्स डिस्कनेक्टेड। तो अब हमने ले लिया एक सेट ए और हमें बनाना है क्या रिलेशन। तो ये जो रिलेशन होगा सोनी, दैट इज फ्रॉम ए टू ए ओनली, ये ए से बी में नहीं जाएगा, ए से ए में होगा। ये ठीक वैसा ही है कि मान लो अपने फैमिली में मान लो 4 या 5 मेंबर्स हुआ और कोई अकेजन है जिसमें सभी सबको मिठाइयां दे रहे हैं, ठीक। यस सर। कोई भी खुशी का अवसर हो सकता है। तो एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं और वो सभी 5 मेंबर्स आर गिविंग स्वीट्स टू एवरी अदर मेंबर एंड सेल्फ आल्सो। ओके, लाइक यू गिव स्वीट्स to your father, your mother, your brother and yourself also. So how many sweets you distributed? 5. Okay, there are 5 members, so you distributed 5 sweets or 5 chocolates, whatever you can consider. Similarly, the other member, your brother, also did the same. So this is like the situation. Whatever we are discussing matches the situation. तो अब ये होगा कि एक रिलेशन हम एक सेट से उसी सेट में बनाएंगे और इसी को हम नाम देते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। अ सेट का मतलब ही क्लियर हो रहा है कि एक ही सेट होगा, इसे पूरा सेट आपको नहीं मिलेगा। अब अगर वही गेम यहाँ पर हम प्ले करें, एक ही सेट है हमारे पास, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा है, ए क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, राइट? यस सर। ओके, सो वी हैव गॉट हियर 4 एलिमेंट्स। अब आप एक रिलेशन निकालना चाहते हो, रिलेशन का मतलब होता है सबसेट, तो सबसेट निकालो। इसमें से आप चाहो तो एक ही निकालो, दो निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, सारे ही, या एक भी मत निकालो, आपकी मर्जी है। तो इसका सबसेट बनाना है। मान लो मैं 2 निकालो, 1 1 and 1 2, तो ये जो रिलेशन है सोनी, इसी को हम कहेंगे दिस रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, या सिंपली इतना लंबा नहीं बोलते, ए टू ए थोड़ा ना ये चलन में नहीं है, दिस इज नॉट इन ट्रेंड। सो व्हाट वी कॉल इट द रिलेशन ऑन सेट ए, दिस इज अ रिलेशन on set A, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। Yes, sir. मतलब एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि सेट ए से सेट ए में रिलेशन बना है, बट ऐसा बोला नहीं जाता। बोला क्या जाता है कि दिस इज अ रिलेशन ऑन सेट, ये चीज आगे आपको समझ। Yes, sir. ठीक, और आज का लास्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब। यहाँ तक का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, डाउट। दैट्स गुड। और जो लास्ट टॉपिक है हमारे आज के क्लास का, दैट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स का मतलब क्या होगा कि अगर आपने कोई रिलेशन ए से बी में बना रखा है, सपोज कंसिडर, ये देखो लिखने का स्टाइल देखो जरा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इस स्टाइल को बोलो। यस सर। क्योंकि बुक्स में आपको यही स्टाइल मिलेगा। यस सर। एक लेटर लिखा होगा, कैपिटल लेटर आर, फिर एक कोलोन साइन होगा, फिर एक सेट का नाम लिखा होगा ए, फिर एक एरो मार्क होगा, फिर एक अलग दूसरा सेट लिखा होगा बी। इस सिंबल का मतलब ये है कि एक रिलेशन है जो ए से बी में बना हुआ है। ये सिंबल का मतलब है। अब अगर मैं इसका इनवर्स तैयार करूं,
तो इनवर्स का बड़ा सिंपल सा मतलब ये होता है यहाँ पर कि यू आर राइटिंग अनदर रिलेशन। अगर आप इनवर्स लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो आप, एक और रिलेशन लिख रहे हो, बट चेंज क्या कर रहे हो आप कि जो पहले था वो ए से बी में था, अब आप इसी को फ्लिप कर रहे हो। फ्लिप मतलब इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम बी टू ए, बस इसी को कहते हैं हम इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज एक एग्जाम्पल रिलेशन इज सपोज 1, 2, 1, 3, बस यहीं तक, ये छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। yes. अब इसका अगर मैं इनवर्स लिखूंगा तो इंडिकेट कैसे करूंगा? सबसे पहले तो ये इंडिकेटर क्या होगा, मतलब कुछ कोई ना कोई सिंबल होता है उसका। रिलेशन yes. को आर से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर आर से, और उसका जो इनवर्स होगा उसमें आर लिखकर पावर में माइनस वन लिखते हैं। दैट इज जस्ट अ सिंबल, वी कॉल इट इनवर्स ऑफ द रिलेशन। और इसमें करते क्या है, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी कि अगर रिलेशन ए से बी में था तो इनवर्स जो होगा वो बी से ए में होगा। अच्छा मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, मुझे आर नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है, आर इनवर्स, तो मैं पावर में माइनस वन भी लिखूंगा। ठीक है, तो सोनी आप मुझे एक बात बताओ, ये रिलेशन को देखो, इसमें इसमें पहले वाले सेट से कौन कौन से नंबर आए हैं? वन, वेरी गुड। और दूसरे वाले सेट से कौन कौन से आए? टू एंड थ्री, वेरी गुड। तो वन आया पहले वाले सेट से और सेट बी से आया टू एंड थ्री, तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है दैट इज मैचिंग लाइक वन टू टू देन वन टू थ्री। बट इसी फिगर को अगर मैं इनवर्स करना चाहता हूँ तो बी आ जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड में और ए चला जाएगा राइट साइड में, तो बी के एलिमेंट्स भी आ गए लेफ्ट साइड में टू एंड थ्री में, ए का एलिमेंट वन चला गया राइट साइड में। इसका मतलब अब टू के साथ वन और थ्री के साथ वन, तो अब जो एलिमेंट्स के सॉरी इसके जो एलिमेंट्स लिखोगे आप आर इनवर्स के, दैट इज गोइंग टू बी 2, 1, 3, 1, done. Yes, sir. This is what we call inverse. Inverse का यही concept है. हो गया, done. Yes, sir. कोई doubt? No, sir. तो आप और ज्यादा सिंपल तरीके से इसको समझना चाहते हो तो देख लो जरा, 1, 2 को 2, 1 बना दिया, 1, 3 को 3, 1 बना दिया. That's all. इतने से inverse हो जाता है. Yes, sir. अब मैं एक question पूछूं? Yes, sir. ओके, तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा हुआ है इसका डोमेन बताओ। डोमेन सर वन। ओके, ओनली वन एलिमेंट राइट? यस सर। एंड व्हाट्स द रेंज ऑफ दिस रिलेशन? टू एंड थ्री। परफेक्ट, नाउ टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर इनवर्स, क्योंकि ये भी एक रिलेशन है, इसका भी डोमेन होगा। यस सर, टू एंड थ्री सर। परफेक्ट, एंड व्हाट्स द रेंज? वन। परफेक्ट, अब डिड यू नोटिस समथिंग? यस सर। द थिंग यू शुड नोटिस इज डोमेन ऑफ आर बिकेम रेंज ऑफ आर इनवर्स। यस सर। एंड द रेंज ऑफ आर became domain of R inverse. Yes, sir. So this is what happens when you write inverse of a relation. ठीक है? Yes, sir. क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कौन सी बुक फॉलो करते हो आप स्कूल में, क्या रिकमेंडेशन है? NCERT. स्कूल का नाम क्या है जिसमें आप पढ़ते हो? DAV पब्लिक स्कूल। ओके, आरडी शर्मा या और कोई बुक कराते हैं? कोई प्राइवेट पब्लिकेशन और एनसीईआरटी के अलावा? नो सर, बस एनसीईआरटी। ओके, दैट्स गुड।
So you will notice in NCERT, the things are not very detailed manner. This is in precise manner. If you study from any private publication group, like there are many other books, R.S. Agarwal, R.D. Sharma, etc. Many other books are there. So if you study from those books, you will notice there are many questions given based on inverse of a relation and etc. And very, very detailed manner. NCERT doesn't give the things in detailed manner. That is very precise. Yes. So whenever you get a question, yes, it may give you a relation, yes, and then it may ask you domain and range of its inverse. मतलब इसने रिलेशन तो दे दिया और पूछा क्या हमसे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स. तो हमें करना क्या होगा कि जो रिलेशन गिवन है उसके डोमेन और रेंज पहले फाइंड कर लो और फाइनल आंसर लिखते समय क्या करो कि जो मेन रिलेशन का डोमेन था वो इनवर्स का रेंज बन जाएगा और जो मेन रिलेशन का रेंज था वो इनवर्स का डोमेन बन जाएगा. गॉट इट? यस सर. ओके. जस्ट अ मोमेंट. ओके सो सोनी, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस. यस सर. And this is the end of the class now. Can you give me some feedback? How did you feel? Sir, I feel nice. You taught very well, sir. You understood everything I taught? Yes, sir. I understood. That's great. That's great. Thank you so much, okay, sir. So you're welcome. We are ending the class and you can talk to your father and you can share the final feedback and what's your decision. Yes, okay, sir. Okay, sir. Yes. And one more thing, the older number you were calling to or I was calling from is yes, not sir. Working now because my phone has been damaged just today evening. Yes. So you can send me a mail or you can call on the new number I called from. Yes, sir. The last call I made was from my wife's phone. You can call there. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay. Bye. Bye, sir. Thank you. Welcome.